दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी, क्योंकि इस वीडियो में दुनिया के पहले डाइविंग सूट से लेकर दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर तक कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें शामिल हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक नहीं समझा पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों आपने आज तक कई सारी क्लॉक्स देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको जिस क्लॉक के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, और इसे आप कोई आम क्लॉक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस क्लॉक का नाम जेंस ऑलसेंस वर्ल्ड क्लॉक है, जो कि डेनमार्क में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्लॉक सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी से कई मील दूर मौजूद दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन को भी बताती है। वेल, ये क्लॉक हजारों सालों से बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देते आई है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे प्रिसाइज मैकेनिकल सिस्टम में से एक बनी है, जिसे जेंस ऑल्सन ने लगभग 25 सालों की मेहनत के बाद बनाया था। और इनकी डेथ के बाद इसका बाकी काम ऑटो मॉर्टेंसन ने पूरा किया, और इस क्लॉक में करीब 15,000 से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स लगे हुए हैं। नंबर 9। अब हम आपको जिस ओल्ड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम भी क्लॉक ही है, जिसको कैलकुलेटिंग क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस क्लॉक को जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर विलहेल्म शिखर्ड ने 1623 में डिजाइन और बिल्ड किया, और ये एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय क्लॉक मानी जाती है। आपको बता दें कि इसका नाम भले ही क्लॉक हो, लेकिन ये एक कैलकुलेटर के जैसे वर्क करती है। पर हैरानी की बात तो ये भी है कि ये डिवाइस में आग लगने की वजह से ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। दोस्तों शिखर्ड की मौत के बाद इस क्लॉक को बनाने का नॉलेज भी उनके साथ खत्म हो गया था, और इनके द्वारा छोड़े गए नोट से इस क्लॉक की एक रेप्लिका को बनाया गया है जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है, और इस ओरिजिनल क्लॉक का लगभग हर रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता था। नंबर 8। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला डाइविंग सूट किसने बनाया होगा? अगर नहीं तो अब हम आपको दुनिया के सबसे पहले डाइविंग सूट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस सूट को पहला डाइविंग ड्रेस कहा जाता था, जिसको सर पियर्स रेमी डी बॉव ने 1715 में डिजाइन और बिल्ड किया था। अगर हम इस डाइविंग ड्रेस की बात करें तो इसमें एक हेलमेट को दो ट्यूब्स के साथ कनेक्ट किया गया था, और इन ट्यूब्स को पानी के ऊपर रखा जाता था, और इनमें से एक ट्यूब का काम हवा को अंदर लेना था, वहीं दूसरी ट्यूब का काम हवा को बाहर करना छोड़ना था। साथ ही इस हेलमेट के अंदर हवा तभी जा सकती थी जब इसको कोई बाहर से पंप करता। इसका मतलब जब तक आपको कोई दोस्त बाहर से हवा पंप करता रहेगा तब तक आप इस सूट की मदद से पानी के अंदर रह सकते थे। नंबर 7। अब बारी है हमारे ही देश की हम्पी सिटी में मौजूद एक ऐसे एंशियंट डोर की, जिसके बारे में शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम्पी में मिले आर्टिफैक्ट्स पूरे दुनिया में पॉपुलर हैं। दोस्तों इस डोर को आर्कियोलॉजिस्ट और कई सारे हिस्टोरियंस ने हम्पी में मिले और आर्टिफैक्ट से भी कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग बताया है, जिससे आप इसके अमेजिंग होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये डोर कभी किसी रॉयल एनक्लोजर का मेन एंट्रेंस हुआ करता था, और इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको विजयनगर एम्पायर के समय चल रहे फोर्टिफिकेशन के दौरान बनाया गया था। इन डोर्स को एक ही स्टोन स्लैब को काट कर बनाया गया था, और ये डोर आज के समय में जमीन पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जिस दीवारों में लगा हुआ था वो समय के साथ खत्म हो गई, और ये डोर आज तक बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है। नंबर 6। दोस्तों आज तक ये डिबेट चलती आ रही है कि किसने सबसे पहली सबमरीन को डिजाइन किया होगा। वेल, इसका सटीक जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाले हैं जिसे हम दुनिया की सबसे पहली सबमरीन मान सकते हैं। इस मशीन को डेविड बुशनल के द्वारा बनाया गया था, जिनके द्वारा इस डिवाइस को सबके सामने 1775 में रखा गया, और उन्होंने इस डिवाइस को टर्टल नाम दिया था। साथ ही अपने इस डिजाइन को लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गए, जहां से उन्हें इसके लिए फंडिंग भी मिली थी। और जब इस डिवाइस को 3 ब्रिटिश वॉरशिप्स पर हमला करने के लिए साल 1776 में इस्तेमाल किया गया तो ये फेल हो गई। इस इंसिडेंट के बाद टर्टल को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इस पर हमला करके इसको पानी में डुबा दिया गया, और वहीं टर्टल का अंत हो गया, और इसके बाद फिर कभी इस टर्टल का दूसरा वर्जन नहीं बनाया गया। नंबर 5। इसके बाद अब बारी है एक ऐसी डिस्कवरी की जिसे आप इस वीडियो की सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी कह सकते हैं, और इस डिस्कवरी को दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, और ये दिखने में आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर से काफी अलग दिखाई देता था।
इस डिजाइन को थॉमस मॉय के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया था और इन्होंने इसका नाम एरियल स्टीमर बताया। और ये एरियल स्टीमर अनमैन्ड विंग एयरक्राफ्ट था जिसे कि एक स्टीम इंजन की मदद से चलाया जाता था। लेकिन अगर हम इसके फ्यूल की बात करें तो इसमें मेथिलेटेड स्पिरिट का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता था। और तो और इसके विंग्स को बैम्बू से बनाया गया था और इन विंग्स के बीच में 6 ब्लेडेड वुडन प्रोपेलर्स को लगाया गया था। और इस एरियल स्ट्रीमर में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, इसको हवा में उठने के लिए लगभग 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलाना पड़ता था। नंबर 4, दोस्तों आज के समय में एक दूसरे से बात करने के लिए हम कई सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक टेक्नोलॉजी है वीडियो कॉल, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं, फिर चाहे वो हमसे कितने भी दूर क्यों ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पहली वीडियो कॉल को मार्च 1936 में पॉल वॉन के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस कॉल को रॉबिनिक और लेप्जिक के मेयर के बीच बर्लिन के एक पोस्ट ऑफिस से किया गया था। और हाँ, इस कॉल के दौरान इसकी क्वालिटी आज के समय की तुलना में काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी ये 1930s के इनक्रेडिबल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद से ही गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को दूसरे कई शहरों में फैलाने की बात कही और इस कॉल में बात करने के लिए दोनों साइड पर स्पीकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। नंबर 3, आयरन मेल्टिंग का काम सबसे ज्यादा खतरनाक और बहुत ही कम लोगों के द्वारा किया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि 9th और 10th सेंचुरी में रहने वाले लोगों के द्वारा इस काम को कैसे किया जाता होगा? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। इस खतरनाक काम को श्रीलंका में काफी अलग तरीके से 9th और 10th सेंचुरी में किया जाता था और यहाँ रहने वाले लोग आयरन को मेल्ट करने के लिए शॉर्ट फोर्स्ड ड्राफ्ट शाफ्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया करते थे। हैरानी की बात तो यह है कि ये फर्नेस विंड से पावर्ड हुआ करती थी और इन फर्नेसेस को ज्यादातर वेस्ट साइड ऑफ हिल्स और रिजेस में बनाया जाता था, क्योंकि वहां पर मॉनसून के दौरान काफी तेज हवाएं चलती थी और ये मॉनसून विंड काफी अच्छे कार्बन आयरन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती थी। नंबर 2, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसे ऐसे एंशियंट ट्रेडिशंस को किया जाता था जिनको कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन समझ नहीं पाए हैं। ऐसे ही कुछ बड़ी ही वियर ट्रेडिशन को चाइना में 4th सेंचुरी के दौरान किया जाता था। इस समय में जब कोई बड़ा ही धनवान या फिर कोई राजा महाराजा मर जाता था तो इनका जेड बुरियल सूट्स में रखा जाता था और इन सूट्स को सिल्वर और गोल्ड से थ्रेड किया जाता था। साथ ही इस सूट के पहले कुछ रिटन रिकॉर्ड्स 320 CE भी मिले थे और कुछ रिकॉर्ड्स तो इससे भी पुराने बताए जाते हैं। जिसके बाद 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सूट के एक नहीं बल्कि 2 रियल एग्जांपल्स को खोज निकाला था। इनमें से एक सूट प्रिंस लियू शांग और दूसरा प्रिंसेस डू वांग का था और इन सूट्स को हान डायनेस्टी में बनाया गया था। नंबर 1, द बॉकर डी ला वरिष्ठा को 1953 में एक फिल्म रोमन हॉलिडे में फीचर किया गया था, जिसे इस फिल्म में एक स्टोन ऑफ ट्रूथ के नाम से दिखाया गया था। दोस्तों, ये स्टोन स्लैब वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि इस स्टोन को झूठ पकड़ने वाला स्टोन कहा जाता था। इस स्टोन के बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसके मुंह में अपने हाथ को रख कर कुछ बोलें तो ये झूठ बोलने पर हाथ को अपने अंदर ले लेता था। वैसे कई लोग इसे सच मानते हैं तो कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ बताकर टाल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिस्टीरियस स्टोन डिस्क आज से लगभग 2200 साल पुराना है, जो कि अपने मिथ्स और मूवी की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर लाइंग स्टोन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।